सरफराज साहब का के साथ जो भीतरघात हुआ है, हमको तो लग रहा है कि हम लोग सिर्फ दरी बिछाने के काम आने वाले लोग हैं पार्टी में। और निश्चित तौर पर सीमांचल विकास मोर्चा जो इलाहाज मरहूम जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने बनाया था, हमारा तो व्यक्तिगत राय है और सामूहिक राय भी आज बना है कि उसके बैनर तले हम लोग पूरे सीमांचल में इस बैनर को जो है सियासी बैनर बना के हम लोग पटना वालों को कम से कम सीमांचल का एहसास दिलाना होगा कि हम लोग जो सिर्फ दरी बिछाने के लायक नहीं है, हम लोग सियासत करने के लायक भी हैं और तभी हमारा सीमांचल का जो है एक मुस्त विकास भी हो सकेगा। वैसे जनता का क्या आपके मिला? निश्चित तौर लोक विद्रोह में आप भी यही न थे, आप भी अररिया जिला के ही निवासी हैं, आप पत्रकार हो गए अलग बात है, लेकिन आपका मिजाज में क्या आ रहा है कि हम लोग दरी बिछाने से बाहर का काम करने वाले लोग हैं क्या? सिर्फ दरी बिछाया जा रहा है, बिछवाया जा रहा है हम लोगों से। मुसलमान की आबादी 18% है पूरे बिहार में, मात्र 2 सीट दिया गया है, एक अररिया हारने के लिए और मधुबनी हारने के लिए, जीतने वाला 1 सीट नहीं दिया गया।